नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ खुशी। लगातार लोगों के जीवन में परेशानियां जो है वो आती ही जा रही हैं। ऐसे में एक और परेशानी है जिसका नाम है बाढ़। जी हाँ, पिछले साल की बात है जिसने बिहार के हर एक लोगों को अंदर से डरा कर रख दिया था। जब बाढ़ आ गया था और लोग जिसकी कल्पना भी लोगों ने नहीं की थी वैसा दृश्य देखने को मिल गया था। और फिर से बारिश का महीना आ चुका है। जी हाँ, सावन का महीना है जहां बारिश लगातार हर दिन होती आ रही है और ऐसे में लोगों के मन में दोबारा डर बनना लाजमी है। कहीं फिर से तो वैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो जाएगी, क्या फिर से बाढ़ आ जाएगा? लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं। और इसी बीच, जी हाँ इसी बीच, इन सवालों के बीच मौसम विभाग का बड़ा ऐलान जिसने आने वाले तीन दिनों तक बारिश ज्यादा मात्रा में होगी इसकी चेतावनी मौसम विभाग ने भी दे दी है। अब इसके बाद लोग और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या उनके दिमाग में जो चल रहा था, जो बारिश का खतरा था, बाढ़ का खतरा, पानी जम जाने का खतरा, वो नजारा जो उनके दिमाग में आ रहा था, कहीं वो सच तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि बिहार की अगर हम बात करें और पटना की अगर हम बात करते हैं तो दिमाग में बात जरूर आती है कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो है उसकी हालत, उसकी बदहाली किसी से छुपी नहीं है। हालांकि चुनाव के समय वादे कई तरीके के किए गए थे कि इस बार उसमें सुधार किया जाएगा, लेकिन ऐसी स्थिति अगर आप देखेंगे हकीकत पर तो जमीनी स्तर पर इस बात का कोई भी लेना देना वास्तविकता से नहीं है, जिसके बाद अब लोग सोचने पर फिर से मजबूर हो चुके हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 3 दिनों तक फिर से बारिश जो है वो होगी। हालांकि जब से सावन ने दस्तक दी है तब से ही बरसात जो है वो लगातार हो रही है। हर दिन धीरे धीरे धीमी धीमी बारिश जो है वो हो रही है, लेकिन ऐसे में अलर्ट आ जाना लोगों के मन में कहीं ना कहीं खतरे को फिर से दस्तक दे रहा है। और लोग फिर से सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो पिछले साल उन्होंने अपने घर के बाहर पानी जमा हुआ देखा है, जिसके बाद उस बाढ़ की हालत में वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लोग राशन को तरस गए थे। और इस बार स्थिति और भयावह होगी, क्योंकि इस बार सिर्फ बाढ़ और पानी ही नहीं बल्कि कोरोना भी हमारे साथ है। जी हाँ, कोरोना है जिससे लगातार सरकार लड़ने को तैयारी कर रहा है, लेकिन पूरी सफलता नहीं मिल पाई है, जिससे लोगों के रोजगार ठप पड़ चुके हैं, बच्चों की शिक्षा रुक चुकी है और हर चीज पे कहीं ना कहीं रुकावट आ चुकी है। इसी बीच अब बाढ़ का खतरा। ऐसे में अगर बाढ़ आ जाता है तो कैसे कार्यालय चलेंगे, स्कूल बच्चे कैसे जाएंगे, पढ़ाई कैसी होगी? ये तमाम सवाल जो है वो दिमाग में मंडराते रहते हैं और जो चिंता है वो बढ़ती है। खैर, लाजमी भी है, ऐसे में चिंता क्यों ना हो। लोग जरूर सोचेंगे कि आखिर वो खाना कैसे खाएंगे, रोजगार कैसे चलेगा, कैसे उनका जीवन यापन होगा अगर बाढ़ आ जाता है तो। खैर, ये सोचने की बात है। अब देखिए, दृश्य में देख रहे हैं आप जिस तरीके से बाढ़ जो है लगातार अलर्ट आ रहा है कि बाढ़ आ सकता है, बारिश हो रही है, लोग बारिश से ही परेशान है क्योंकि जल जमाव हो रहा है। पटना में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जल जमाव होता है जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। हालांकि कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे काम हो रहा है और काम होने के बाद परेशानी से निजात भी मिल चुका है, पर ज्यादातर जगह पे अभी तक निजात नहीं मिल पाया है, जिससे लोग परेशान हैं। लोगों की परेशानियां हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और यहाँ पे सरकारी नियम है जो बन तो जरूर रहे हैं लेकिन हकीकत पे नहीं उतरते दिखते हैं। इसके बाद क्या कुछ तैयारी है सरकार की बाढ़ से निपटने के लिए, वो देखा जाएगा, वो हम आपको जरूर बताएंगे। खैर, बरसात का महीना जो है वो आ चुका है, क्योंकि सावन महीने की अगर हम बात करें तो ये बरसात का महीना ही जाना जाता है जो आ चुका है। और अब तक सरकार की कोई खास तैयारी नहीं दिख रही है, लेकिन लोगों की शिकायत जरूर दिख रही है। आखिर इसमें आगे क्या होगा? तमाम मुद्दों से जुड़े रहने के लिए, तमाम जानकारी को पाने के लिए बने रहे NBC 24 के साथ। धन्यवाद।